हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताएंगे नोटपैड के बारे में। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमांड होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नोटपैड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले, सबसे ऊपर की जो लाइन दिख रही है आपको, ये होती है आपकी टाइटल बार, ये होता है आपका मेन्यू बार, और ये होता है आपका वर्क स्पेस एरिया, जहाँ पर आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम चलते हैं फाइल के अंदर। फाइल में आपको पहले जो पेंट में देखने को मिला था, वही ऑप्शन आपको नोटपैड के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एन, यानी कि न्यू, नया पेज बनाना। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास एक नया पेज आ जाता है। ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को जो पुरानी बनी हुई है उनको वापस इस नोटपैड के अंदर खोलना। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। आगे है सेव। सेव का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को सुरक्षित करना। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एस। सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को कितनी बार भी आप सेव कर सकते हैं, कितनी बार भी आप इसको कहीं भी आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि पेन ड्राइव के अंदर, आपकी लोकल डिस्क ड्राइव्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, कहीं भी आप इस फाइल को कितनी बार भी सेव कर सकते हैं और कितनी बार भी कहीं भी जगह चेंज करके आप इसको सेव कर सकते हैं। आगे है पेज सेटअप। पेज सेटअप के नाम से ही पता चलता है कि ये पेज की जो सेटिंग होती हैं उनको करने के लिए बनाया गया है। आगे है प्रिंट। प्रिंट का किस लिए यूज होता है? किसी भी जो आपने नोट लिखा है इसके अंदर, उसके प्रिंट निकालने के लिए। जो आपका A4 साइज पेज होता है उसके ऊपर प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? ध्यान से देखिए, कंट्रोल पी, कंट्रोल प्लस पी। आगे है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? कि जिस भी प्रोग्राम के आप अंदर हैं, आप काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको बंद करना है तो आपको एग्जिट यूज करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? इसकी शॉर्टकट कमांड होती है अल्ट प्लस F4। F4 क्या है? एक फंक्शन की है। अल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेट की। आइए हम इनका यूज़ देख लेते हैं किस तरीके से होता है। न्यू, न्यू मीन्स क्या होता है? नया पेज लेना। ओपन, किसी भी फाइल को खोलना। कौन सी फाइलें खुलेंगी? जो पहले बनी हुई हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। देखिए, जो भी इसके अंदर डाटा था आपका, वो आपका इसके अंदर ओपन हो चुका है। अब हम नई फाइल लेते हैं। इसके अंदर हम कोई भी टाइपिंग करते हैं। ये देखिए, हमने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया है, और जैसे कि आपको पता है कि सफ़ेद पेज और काले रंग का अक्सर इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसके अंदर कोई भी कलर चेंज इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, ना तो पेज का कलर चेंज कर सकते हैं और ना ही किसी अक्षर का। आगे सेव। सेव का मतलब क्या होता है? किसी भी फाइल को, नई फाइल को सेव करना, या पुरानी फाइल को ओपन करके उसके अंदर कुछ अगर आप टाइप करते हैं अलग से, उसको भी आप सेव कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं तो नाम पूछेगा, कहाँ सेव करनी है ये भी पूछेगा। देखिए, इसकी जो एक्सटेंशन होती है
वो कौन सी होती है, .txt। ध्यान रखना अगर पेपर में आ जाए आपको यही लिखना है, अगर जो नोटपैड की जो एक्सटेंशन होती है किस फाइल के अंदर वो सेव होती है तो वो क्या करेंगे, .txt। ध्यान रखना है अगर आपने LB मतलब कोई भी वर्ड लिखा और .txt लिख दिया उसके सामने तो वो नोटपैड की फाइल मानी जाएगी। आगे हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल को बार बार आप सेव कर सकते हैं। अब जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसमें आपको दोबारा नाम नहीं पूछेगा, दोबारा कहीं सेव करना है वो भी नहीं पूछेगा आपसे। सेव एज में जाते हैं तो इस फाइल को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। दोबारा से करते हैं, जैसे हमने पिक्चर्स के अंदर क्लिक करके सेव कर दिया है इसको, तो अब ये क्या करेगा, हर बार अलग नाम और अलग जगह पर इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना है, नाम बदल कर करना है, हम इसको चेंज करके, नाम को चेंज करके और अलग जगह पर इसको सेव कर सकते हैं। आगे है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, किसी भी पेज की सेटिंग करना ताकि उसको अच्छे तरीके से प्रिंट किया जा सके। अब हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं लेटर। साइज लिखा हुआ है, साइज के आगे लिखा हुआ लेटर, लेकिन हमारा जो प्रिंटर के अंदर ज़्यादातर मोस्टली जो पेज होते हैं हमारे वो कौन सी साइज में होते हैं, वो होते हैं हमारे A4 साइज के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे A4 साइज। सोर्स में आपने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ही रखना है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज को किस तरफ घुमाना है। आप पेज को दो तरीके से घुमा सकते हैं, पोर्ट्रेट, इसमें आपको सीधा पेज मिलता है, और लैंडस्केप के अंदर आपको पेज टेढ़ा मिलेगा। जैसे मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक करता हूँ तो पेज हमारा ऐसे खड़ा पेज आपको दिखाई देगा, और लैंडस्केप के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको पेज टेढ़ा ही मिलेगा। उसके बाद जो लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ये जो आपको अक्सर देखने को मिल रहे हैं ये होते हैं हमारे मार्जिन। जहाँ तक हमारा जो पेज होता है, जहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए अब आपको मैं पिक्चर में ही बताता हूँ कैसे आप इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में लिखा हुआ है 25 25, अब यहाँ पर देखिए मार्जिन के साइड में लिखा है मिलीमीटर्स, तो यहाँ पर 25 जो 25 लिखा हुआ है वो मिलीमीटर हैं, जो 20 और 20 लिखे हैं वो भी आपके मिलीमीटर के अंदर ही लिखे जाएंगे। अब जो आपको ये साइड में, पेज के साइड में जो खाली जगह दिख रही है, ये होते हैं आपके मार्जिन। ये जो आपको यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रही है पेज के चारों तरफ, ये क्या होते हैं, मार्जिन। इतनी जगह छोड़कर आप पेज के अंदर लिखना शुरू करते हैं। देखिए लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट कौन सा होता है, लेफ़्ट इधर से और राइट इधर से। यहाँ से आपको 25 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर लेफ़्ट और राइट से दोनों जगह से पेज को थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में आप देखना, आपको कुछ कम जगह दिखेगी जो खाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टॉप में 20 है और बॉटम में भी 20 है, लेकिन यहाँ पर 5 मिलीमीटर ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जगह आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको कम जगह खाली दिखाई दे रही है। डॉटेड लाइन जो दिख रही है आपको है वो मार्जिन को दिखाती है कि आप इसके अंदर जो मैटर लिखेंगे वो आपका प्रिंट के अंदर आएगा। आगे है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, पेज के सबसे ऊपर आपने देखा होगा पेज का नंबर लिखा हो सकता है, या फिर पेज या फिर बुक का नाम लिखा होता है। हेडर के अंदर आपने देखा होगा या तो पेज का नाम लिखा होता है या पेज का नंबर लिखा होता है, या फुटर के अंदर भी किताब का नाम लिखा होता है या फिर पेज की नंबर लिखा होता है। हेडर किस लिए यूज़ होता है, या तो आप किताब का नाम लिखते हैं या फिर कोई पेज नंबर लिखते हैं, और फुटर के अंदर भी आप ऐसा ही लिख सकते हैं।
अब आप इसको ओके कर दें। अगर आपका, एक बात और बता देता हूँ आपको, जो ओरिएंटेशन के अंदर अगर आपका पेज के अंदर मैटर कम लिखा हुआ है तो पोर्ट्रेट के अंदर आप लिख सकते हैं। अगर आपने पेज के अंदर मैटर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो आप लैंडस्केप का यूज़ कीजिए। विड्थ है जो पेज की वो ज़्यादा होती है और इसमें आपका मैटर जो है ज़्यादा लंबा भी लिखा जा सकता है और मतलब अक्सर भी आप इसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। अब आप इसको ओके कर दीजिए। आगे है प्रिंट। प्रिंट प्रिंट के अंदर आपको यहाँ पर प्रिंटर का नाम दिखाई देगा। अगर आपने कभी प्रिंटर जोड़ा या आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रिंटर का नाम दिखाई देगा। देखिए आगे है, अगर आपका प्रिंटर ऑन है और कंप्यूटर से डाटा केबल के थ्रू जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस रेडी। अगर आपका कंप्यूटर के साथ प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑफलाइन लिखा आ जाएगा। आगे है पेज रेंज। पेज रेंज पहले भी आपको बताया गया था, अब की बार भी आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। ऑल यानी कि आपके जितने भी पेज होंगे इसके अंदर, जितना ज़्यादा आप मैटर लिखेंगे उतने ज़्यादा ही इसके अंदर पेज भी बनते जाएंगे। तो आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे पेज जितने भी हैं इसके अंदर वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। सिलेक्शन, अगर आप जिस वर्डिंग को, जिस अक्षर को, आप जिन अक्षरों को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही प्रिंट होंगे, अदरवाइज आपके प्रिंट जो दूसरे बिना सिलेक्शन के जो वर्डिंग है आपकी, टेक्स्ट हैं आपके, वो आपके प्रिंट नहीं होंगे। पेजेस, आप मान लो आपके 1 से 10 तक पेज बने हैं तो आप 1-10 अगर 10 लिखते हैं तो आपके पेज यहाँ पर 1 से 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि 1 से 8 तक हो तो 1-8 लिख दें, उसके बाद आपके प्रिंट निकलेंगे 1 से 8 तक ही। अगर आप 1.3.5 ऐसे अगर ओड वैल्यू में लिखते हैं तो वही पेज आपके प्रिंट होंगे जो आप यहाँ पर लिखेंगे। और अगर 2.4.6.8 ऐसे लिखेंगे तो आपकी इवन वैल्यू आपकी वही प्रिंट होगी। नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज़ का मतलब होता है आपको एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए है। अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो आपकी, अगर आपके पास 10 पेज हैं तो हर एक पेज की आपकी 5-5 कॉपीज़ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आगे अप्लाई करके और आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं, जिससे आपके जो पेज हैं वो जिस तरीके से आपने इसके अंदर एडजस्ट किए हैं वो आपके प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। आगे है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम से बाहर जाने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है एग्जिट। इसके अंदर आप अल्ट F4 दबाकर भी प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप नोटपैड या किसी भी प्रोग्राम से बाहर चले जाएंगे। अगर आपने नोटपैड को दोबारा ओपन करना है तो किस तरीके से करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, NOTPAD नोटपैड लिखेंगे और एंटर लगा देंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। आगे है एडिट। एडिट के अंदर अंडू का काम मैंने आपको पहले बताया था। जैसे 1 step back, 1 step हम पीछे चले जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी। हमने कोई अक्षर लिखा और हमने जैसे कि लास्ट वर्ड को ऐसे काट दिया, अब क्या होगा, हम दोबारा से लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगर ये तो एक वर्ड है, अगर ज़्यादा वर्डिंग लिखनी पड़ जाए आपको तो क्या होगा, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और अंडू, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Z, अंडू पर क्लिक करते ही वो 1 step पीछे चला जाएगा। आगे है कट। कट कॉपी के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम किसी भी अक्षर को, जैसे हम सेलेक्ट कैसे करेंगे,
वर्डिंग के लास्ट में, टेक्स्ट के लास्ट में क्लिक करे रखना है, और क्लिक किए हुए ही हमने इस अक्षर के ऊपर लेके जाना है हमारे कर्सर को। जैसे हमने इस वर्ड को सेलेक्ट कर लिया है, अब हम जाते हैं एडिट के अंदर और कर दें कट के ऊपर क्लिक कर देंगे। कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, इस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारे टेक्स्ट था, वो यहाँ से कट जाता है, यानी कि कट हो जाता है। एडिट में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है पेस्ट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जहाँ भी हमारा कर्सर होगा, जो ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है, अक्षर है, वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। अभी हम इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, आपने क्या करना है, अक्षर के लास्ट में क्लिक करके रखना है और इसके ऊपर ऐसे लेके जाना है। उसके बाद एडिट में जाएंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे। बाद में हम जहाँ से हमने इसको कट किया था या हमें जहाँ इसकी ज़रूरत है वर्ड की, तो उसमें हम जाकर क्लिक कर देंगे। देखिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्सर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आएगा। एडिट में जाएंगे, पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारा जो वर्ड है वो यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं और डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको कट नहीं किया है, अब की बार आपने इसको डिलीट किया है, और इसका मतलब क्या होता है, ये अक्सर कैसे वापस आएगा, पेस्ट से वापस नहीं आएगा। ये वर्ड कब वापस आएगा, जब आप इसको एडिट में जाकर अंडू कर देंगे। अंडू कमांड का यूज करने के बाद ही आप डिलीट की हुई चीज़ को वापस ला सकते हैं। उसके बाद है सर्च विद बींग। देखिए विंडो 10 के अंदर ये ऑप्शन आपका आता है। सर्च विद बींग का मतलब क्या होता है, देखो बींग जो एक ब्राउज़र है, जो एक एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट के ऊपर किसी भी वर्डिंग को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं, उसका नाम होता है बींग। जैसे जो हमारा विंडोज़ वर्जन है, कंप्यूटर के अंदर जो विंडो आती है, वो डिफ़ॉल्ट तौर पर हमें बींग जो होता है ऑप्शन, जो ब्राउज़र होता है हमारा, जो हमारा सर्च ऑप्शन होता है, वो हमारा होता है बींग, जिसको विंडोज़ सपोर्ट करती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से आपको ये सर्च के लिए विंडो के अंदर दिया जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट पर चले जाएंगे। देखिए आपको दिख भी जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बींग, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने सर्विस को सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसी वर्ड को ये क्या करेगा, आगे सर्च करना शुरू कर देता है। आगे है फाइंड, फाइंड कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड में हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने से पहले किसी भी अक्षर को सेलेक्ट नहीं करना है आपने, क्लिक करेंगे सिलेक्शन हटा देंगे यहाँ से, एडिट में जाकर फाइंड पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ चुका है आपके सामने, फाइंड व्हाट, आपने क्या ढूंढना है, हम क्या वर्ड इसके अंदर सर्च करेंगे जो हमने नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है, अदरवाइज हम इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर इसको सर्च नहीं कर सकते। इसलिए आपको यहाँ पर जो वर्ड आपने लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना है, अदरवाइज आपने किसी वर्ड को यहाँ पर ऐसे इंटरनेट पर सर्च करने के लिए नहीं लिखना है। हम लिखते हैं एस, अब देखते हैं एस को सर्च कर पाता है या नहीं कर पाता है। फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, डाउन, जो हमारा कर्सर था वो यहाँ था, इससे आगे वाले, इससे जो नीचे वर्ड लिखे जाएंगे आपके,
उनको ये सर्च कर लेगा, लेकिन इससे पीछे वाले जो अक्षर हैं उनको सर्च नहीं करेगा। उनको सर्च कब करेगा? जब आप अप के ऊपर क्लिक करके करेंगे। ये देखिए, जितने भी एस थे इसके अंदर, एस वर्ड, एस टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसको ये सर्च कर लेगा। आपने क्या करना है, आप अगर आपका अक्षर कर्सर से पीछे जो अक्षर लिखे हुए हैं उसके लिए आपको अप लिखना पड़ेगा, और कर्सर से आगे जो वर्डिंग लिखी हुई है उसके लिए आपको डाउन लिखना पड़ेगा, डाउन पर क्लिक करना पड़ेगा। कैंसल। आगे है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट आपका फाइंड के अंदर ही ऑप्शन आ चुका है, इसको आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F3। अगर आपने किसी स्पेशल वर्ड को ढूंढना है तो आप करें, आप लिखेंगे Ctrl+F, और अगर आपने फाइंड किए हुए वर्ड को ही सर्च करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या फिर F3 के ऊपर प्रेस करेंगे। आगे है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी अक्षर को दूसरे अक्षर के साथ में बदलना। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। रिप्लेस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने फाइंड वट में पहले लिखा हुआ था S, अब हम रिप्लेस विद में किसी भी वर्ड के साथ आप इसको रिप्लेस या चेंज कर सकते हैं। अब आप कर देंगे रिप्लेस ऑल। अगर आप एक रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो किसी एक अक्षर को सिलेक्ट करके उसको दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर देगा या रिप्लेस कर देगा। अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये जितने भी एस लिखे हुए थे उन सभी को 6 में चेंज कर देगा। ये देखिए, जहाँ भी एस लिखा हुआ था वहाँ पर ये 6 आ चुका है। कोई भी वर्ड है, आप ज़रूरी नहीं है 6 लें, कोई भी वर्डिंग ले सकते हैं आप, और यहाँ पर आप इनको चेंज या रिप्लेस कर सकते हैं। आगे है गो टू। गो टू ऑप्शन कब ऑन होता है? जब आप बहुत ज़्यादा वर्ड या पैराग्राफ या लाइनें लिख लेते हैं। इसमें गो टू का ऑप्शन होता है लाइन के लिए। किसी भी लाइन पर जाने के लिए आपको गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, या इसकी जो आपको दिख रही है शॉर्टकट की Ctrl+G, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, गो टू के ऊपर क्लिक करना है, या फिर Ctrl+G प्रेस करना है कीबोर्ड से, तब जाकर आप किसी भी लाइन पर आगे जा सकते हैं। आगे है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है किसी जो आपने नोटपैड के अंदर लिखा हुआ है उस वर्ड को आपने, उस पैराग्राफ को आपने एकदम से सेलेक्ट करना है, एकदम से सभी अक्षरों को आपने सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे। जितनी भी वर्ड या पैराग्राफ या लाइन आपने लिखी हुई है उन सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे है टाइम डेट। इसके लिए आप F5 का यूज करेंगे, जिससे जहाँ भी आपका कर्सर होगा और F5 दबाएंगे तो आपकी डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएगा, लिखा जाएगा। ये देखिए, अगर आप टाइम एंड डेट पर क्लिक करते हैं तो भी आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, आपकी जो टाइम और डेट है वो आपकी साथ की साथ यहाँ पर लिखी जा सकती है। आगे है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए इनको। सबसे पहले है वर्ड रैप, इस पर आप क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जब आप दोबारा देखते हैं तो इसके ऊपर टिक मार्क आपका नहीं होता है, और दोबारा क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर आपका टिक मार्क आ जाता है। अब इसको टिक मार्क के बिना और टिक मार्क के साथ आपको यूज़ करके आपको इसको बताएंगे। वर्ड रैप पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर से टिक मार्क हट चुका है। अब हम किसी भी वर्ड को, जैसे हमने इसी को क्या किया, एडिट कॉपी, अब हम लास्ट में क्लिक करते हैं और एडिट में जाकर पेस्ट पर क्लिक करते रहेंगे। अब Ctrl+V से हम पेस्ट करते रहेंगे इसको। देखिए, ये देखिए, ये हमारी विंडो से बाहर जा चुका है। अब देखिए, यहाँ स्क्रॉल बटन जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसमें मैं आपको स्टार्टिंग में लेकर जाता हूँ, तो ये देखिए
ये देखिए यहाँ पर जो वर्डिंग लिखी हुई है लास्ट में, ये क्या है, ये पेज से बाहर जा रही है, इसके अंदर आपको क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इसको अच्छे तरीके से प्रिंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर आपकी जो वर्ड, आपकी जो लाइनिंग है, आपकी जो वर्डिंग है, अगर पेज से बाहर जाती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्मेट के अंदर वर्ड रैप ऑप्शन है वो ऑफ है। अब टिक मार्क क्लिक कर देते हैं तो देखिए जो वर्डिंग लास्ट में यहाँ पेज से बाहर जानी चाहिए थी वो अब दूसरी लाइन के अंदर जाकर फिट हो गई है। आगे है फॉन्ट। फॉन्ट में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर क्या होता है, फॉन्ट के अंदर जो आप अक्सर नोटपैड के अंदर जो आप अक्सर लिखते हैं उसके अंदर जो डिज़ाइन दे सकते हैं आप उसकी भाषा को बदल सकते हैं। वो किसको बदल सकते हैं, आप अक्षर की भाषा और अक्षर के डिज़ाइन दोनों को आप फॉन्ट के अंदर से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किसी एक डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर देखिए ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है अक्षर थोड़ा सा मोटा हो जाता है इसमें, और ब्लैक ओब्लिक के अंदर इसमें अक्षर थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको साइज़ देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है आप किसी भी अक्षर का जो साइज़ है वो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने 28 कर दिया, यहाँ पर सैंपल देखने को मिल जाएगा आपको। 72 कर देंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा वर्ड का साइज़ बढ़ जाएगा। ओके कर देते हैं। ये देखिए आपके जो अक्षरों का साइज़ है, टेक्स्ट का जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये देखिए आपके अक्षरों का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो चुका है, अक्षरों का जो साइज़ है वो भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम और किसी हमारा फॉन्ट है उसके अंदर हम कोई भी किसी भी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर दिया हमने, इसके अंदर आपके चार ऑप्शन आ चुके हैं, वाइड, वाइड ओब्लिक, वाइड बोल्ड ओब्लिक। वाइड का मतलब क्या होता है, अक्षर फैल जाएंगे यानी थोड़े से चौड़े हो जाएंगे, वाइड ओब्लिक अक्षर चौड़े हो जाएंगे और थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, वाइड बोल्ड अक्षर थोड़े से चौड़े हो जाएंगे और अक्षर थोड़े से मोटे भी हो जाएंगे, वाइड बोल्ड इटैलिक अक्षर थोड़े से चौड़े, अक्षर थोड़े से मोटे और टेढ़े हो जाएंगे। यहाँ पर अक्षरों का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अक्षरों का जो डिज़ाइन आपने सेलेक्ट किया था, अक्षरों की जो भाषा आपने सेलेक्ट की थी, अक्षरों का जो साइज़ आपने सेलेक्ट किया था वो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट का जिसमें अक्षरों के डिज़ाइन और अक्षरों की भाषा को हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल में हम अक्षरों को डिज़ाइन दे सकते हैं खुद की तरफ से, अगर अक्षर पतले हैं तो हम उनको अलग से थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं। जैसे कि रेगुलर में हमें नॉर्मल अक्षर दिखाई देंगे, बोल्ड के अंदर अक्षर थोड़े से मोटे दिखाई देंगे, ओब्लिक के अंदर अक्षर टेढ़े हो जाएंगे, बोल्ड ओब्लिक के अंदर अक्षर थोड़े से मोटे और थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। और ये होता है साइज़, यहाँ पर आप अक्षरों का साइज़ दे सकते हैं, छोटे और बड़े आप इसको यहाँ पर अक्षरों को कर सकते हैं। और यहाँ पर अब क्या कर देंगे, ओके। ये देखिए अक्षरों का डिज़ाइन, स्टाइल और साइज़ चेंज हो चुका है। आगे है व्यू। व्यू में क्या होता है, जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जूम इन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। इसमें अक्सर हमें बड़े पेज और अक्सर हमें यहाँ पर बड़े दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट की दिखाई गई है जूम इन में, कंट्रोल प्लस। अब हम कंट्रोल प्लस ऑन करेंगे, देखिए ये ऑन हो जाता है। ये यहाँ पर अक्षर और पेज जूम हो जाते हैं, अक्षरों के डिज़ाइन और अक्षरों के साइज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिर्फ जूम हो रहे हैं, इस अक्षरों का साइज़ इसमें बढ़ता नहीं है। नॉर्मली आप जीरो पर वापस कर देंगे या 100% पे आप वापस कर देंगे तो ये वर्डिंग जो है, ये जो आपको अक्षर अब बड़े दिखाई दे रहे हैं वो नॉर्मल आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, ये जो नॉर्मल 100% में जो दिखाई दे रहे थे वो हमें यहाँ पर अब दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जूम आउट में हमें और ज़्यादा छोटे ये देखने को मिलेंगे। अभी हम कंट्रोल प्लस दबाकर इसको जूम इन कर रहे थे, अब कंट्रोल माइनस करके अब इसको हम जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए जूम, ये देखिए जूम इन हो चुका है, जूम आउट हो चुका है। कंट्रोल ज़ीरो से ये नॉर्मल जो अक्षर हमारे पास पहले से लिखे हुए थे वो आपके यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। स्टेटस बार, स्टेटस बार होती है ये नीचे वाली, जैसे हमारी ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन होती है टाइटल बार, वैसे ही सबसे नीचे वाला ऑप्शन होता है, लाइन होती है हमारी स्टेटस बार। व्यू हेल्प, व्यू हेल्प में आप, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको ऑफलाइन हेल्प मिलती है इसके अंदर। ऑफलाइन हेल्प का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो इसमें एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी जिसमें आप कोई भी सर्चिंग, कोई भी वर्ड सर्च करेंगे नोटपैड से रिलेटेड, तो वो अक्षर की आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। और